अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू फूड लवर कराची यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग आए हैं कोरंगी में, एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है स्वाद स्वीट्स एंड बेकर्स की। तो आज हम लोग इधर के विजिट कर आए हैं, तो आइए हम लोग आपको इनके बेकर्स के विजिट करते हैं। साथ यहाँ के एक वर्कर और मौजूद हैं, तो हम इनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद वजहार। स्वीट्स में तकरीबन बहुत अच्छी वैरायटियाँ हमारे पास, तमाम वैरायटियाँ हैं इसमें। चमचम हो गई, धागा चमचम, मलाई चाप, मलाई गिरी, ये सारी बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। और इसके अलावा कच्चा गुल्ला, ये आप देख सकते हैं, बालूशाही बेहतरीन वैरायटी, पान पेड़ा हो गया, बटर टॉफी हमारे पास, कैरेमल टॉफी है, बहुत सारी वैरायटियाँ, स्पेशल वैरायटी है हमारे पास, पतीसे की तमाम वैरायटी है। और उसके अलावा सोनी कलाकंद है, मलाई पफ है, चेरी कलाकंद है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी हैं। इसके अलावा निमको की वैरायटी है हमारे पास, कराची निमको है, लाजवाब निमको है, मिक्स निमको है, तकरीबन बहुत सारी वैरायटी है निमको के अंदर, चिप्स है, ब्लैक पेपर वाली स्लिम्स है, बहुत सारी वैरायटी अच्छी अच्छी होती हैं, फ्रेश होती है, स्वीट्स वगैरह होती हैं फ्रेश होती है। स्वीट्स की मतलब इतनी हमारे यहाँ भरमार है कि रोज़ाना हमें बड़े बड़े टब मंगवाने पड़ते हैं, इतनी रनिंग है माशाल्लाह हमारे यहाँ की ना, स्वीट्स वगैरह की, शीरे के आइटम जितने भी हैं तकरीबन सारे हमारे रोज़ाना फ्रेश आते हैं और टब मतलब मनो की भरमार में आते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। चले तो व्यूअर्स, ये आप लोग इनके स्वीट्स वगैरह देख सकते हैं, तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चले तो व्यूअर्स, अब हमारे साथ यहाँ के कुछ कस्टमर मौजूद हैं, तो उनसे ही पूछ लेते हैं उनको जगह टेस्ट कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहिला। अच्छा, तो आपको जगह टेस्ट कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, हम तो तकरीबन रेगुलर ही आते हैं, यहाँ के कस्टमर हैं माशाल्लाह, सफाई वगैरह भी बहुत है, बहुत अच्छा है। तो ये कोरंगी में न्यू शॉप हुई है, तो आप वो व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे कि वो इधर विजिट करें? जी हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, हमारी कोरंगी की बेकरी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट चल रही है। बहुत शुक्रिया।
तो आपको कैसा लगता है? पहले हमारे कोरंगी से अच्छा बहुत यहाँ पर आ चुकी है बेकरी है, तो इसकी ये नंबर वन पे स्टैम्प पे चल रही है बेकरी, तो बहुत रश है जगह पे, लोगों को आना चाहिए वैसे इधर, विजिट करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ओके चलिए व्यूअर्स, आप लोगों ने कस्टमर रिव्यू देखा, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जो इधर कुल्फी वगैरह की मेकिंग वगैरह में भी होते हैं और अब जो यहाँ पे इधर आके सेल भी करते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई मुल्ला भाई, ये यहाँ की स्पेशल है माशाल्लाह बहुत। ये करंच कुल्फी है सर, इसमें दूध और फालूदा वगैरह डलता है, उसके अलावा दूसरे भी फ्लेवर है हमारे पास, चॉकलेट है, पिस्ता है, सादा है, स्टिंग में है, और इसके साथ फालूदा वगैरह भी होता है माशाल्लाह बहुत स्पेशल। ये टेस्ट यूनिक होता है या एक जैसा ही होता है सब फ्लेवर? हर किसी का फ्लेवर का अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे पिस्ता को इसका अलग टेस्ट है, चॉकलेट का अलग है, सादा है उसका अलग टेस्ट है। जी तो नहीं भाई, आप ये क्या कह रहे थे कि थोड़ा से लेट होने की वजह से हमारे सर लेट होने की वजह से हमारे पास सेमियाँ होती है, वो फालूदा वगैरह जो बना के देते हैं हमारे पास, वो इसका चीज़ ख़त्म हो गई, सिर्फ हमने ये दूध डाला है, तो वो चीज़ जैसे हमारे पास आ जाएगी वो अभी आपको डाल के देंगे। मतलब ये है कि फालूदा वगैरह डालने के बाद ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ये स्पेशल हो जाता है बिल्कुल। और शायद यहाँ के ब्रांच मैनेजर मौजूद है, तो हम इनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपका नाम क्या है? अशरफ अली मेरा नाम है। अच्छा तो अशरफ भाई ये बताएं, इस ब्रांच को ओपनिंग में कितना टाइम हो गया? ये जो ओपनिंग हुई है ये 22 तारीख होगी, 22nd की इसकी ओपन हुई थी। अच्छा ये न्यू ओपनिंग है? जी ये अभी ये न्यू ओपनिंग हुई। आप लोग की स्वाद स्वीट्स एंड बेकर्स की फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर है? इनकी मेन ब्रांच जो है वो मॉडल कॉलोनी में है, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के साथ है ये, और दूसरी ब्रांच हम ओपनिंग करने जा रहे हैं इसको अगले फ्राइडे को, जो खारा दरमी होगी। इस तरह से ये स्वाद स्वीट्स की ये थर्ड ब्रांच हो जाएगी। अच्छा हम लोगों ने सुना है कि आपकी एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्वीट्स एंड बेकर्स भी है। यस ये स्वाद निम्को एंड बेकर्स को ये जाता है कि उसका जो सबसे बड़ा जो शोरूम है वो हमारा मॉडल कॉलोनी वाला है, उसको देखा जाए पाकिस्तान में लाहौर कराची इस्लामाबाद में किसी भी स्वीट्स बेकर्स का इतना शोरूम नहीं है जितने हमारे वाले इसका मॉडल कॉलोनी का है। मतलब वो काफ़ी बड़ा है? जी बहुत बड़ा है, अगर इसको कंपेयर करें तो इस जैसे वहाँ से 3 शॉप्स निकल पाती हैं, और बहुत ही बड़ा है, और उसको डिज़ाइन जो किया गया है दुबई की तर्ज पे उन्होंने उसको बनाया गया है, और नक्शा भी इसका जो है वहीं से हमने मंगवाया था उसी को हमने डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये दुबई की मतलब टेक्नोलॉजी उधर यूज़ की गई? जी तकरीबन जो आइडियाज़ जो हैं दुबई से मनाए गए थे, और तकरीबन जो सिस्टम जो उसी को ही फॉलोअप किया गया है। अच्छा ये बताएं कि आइटम्स वगैरह में भी कुछ डिफरेंस है उधर की ब्रांच इधर की ब्रांच में, या फिर कुछ एक ही सेम चीज़ है? नहीं, जो हमारी मेन ब्रांच पे की चीज़ें हैं वही हमारी इसी ब्रांच पे हैं, जो आगे भी ब्रांचेज हो गए तो सब पे जो भी क्वालिटी होगी जो भी चीज़ें होगी वो सेम सब पर हम यहीं से प्रोवाइड करेंगे। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? यहाँ की जो है कुल्फी फालूदा डेजर्ट में हम आते हैं, वो ज़बरदस्त सबसे फेमस है, उसके अलावा हमारी रबड़ी है, दूध दुलारी है, इसके अलावा पास हमारे हलवा जाते डिफरेंट टाइप की हलवा जाते वो हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा ये वैसे स्वीट्स वगैरह में सारी वराइटीज? जी तमाम, दूसरी बेकरीज में जो आइटम नहीं देखे थे हमने वो चीज़ यहाँ भी आपको मौजूद मिलेंगे, मतलब कि दूसरी बेकरी से जो कंपेयर करें तो हमारे पास अलग अलग बेकरीज और स्वीट्स वाले से आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो क्वान्टिटी है इसकी वराइटीज़ हैं दूसरी इसमें हमने नहीं देखी हैं। अच्छा तो हमारे व्यूअर्स आएंगे तो उनको इधर फ्रेश चीज़ें मिलेंगी? बिल्कुल, आप व्यूअर्स को यही बोलूँगा आप एक बार आएँ हमारे ब्रांच पे विज़िट करें, हमारी कुरंगी वाली ब्रांच के विज़िट करें, उसके बाद हमारी मॉडल कॉलोनी की जो मेन ब्रांच है उसका विज़िट करें, आप आएँगे बहुत आपको मज़ा आएगा। चलिए इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपकी मॉडल कॉलोनी वाली भी ब्रांच करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपको इन्वाइट करते हैं कि आप जो है नेक्स्ट फ्राइडे को खारादार में तशरीफ लाएं और ओपनिंग सेरेमनी में आप लोग शरीक हों। चलिए बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, इंशाल्लाह वेलकम, थैंक यू। चलिए व्यूअर्स आप लोगों ने अशरफ भाई का इंटरव्यू देखा, तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ।
साथ यहाँ के एक वर्कर और भी मौजूद हैं जो इधर के केक वगैरह के शॉप इधर साइड पर मौजूद रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है, तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है सर, आपकी दुआएं। मेरा नाम अब्दुर्रौफ है जी। आप केक के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा सर। हमारे प्रीमियम केक उस तरफ है, उसके अलावा फ्रेश क्रीम केक है सर, स्पेशलिटी है उसमें चॉकलेट फज है, चॉकलेट मिल्क पाई है और वनीला मूज है। वनीला मूज हमारा स्पेशल केक है, आप ट्राई करके देख लें। उसके अलावा रेड वेलवेट संडे है सर, रेड वेलवेट संडे है, थ्री मिल्क संडे, रेड वेलवेट संडे जो हमारा बेस्ट है, सबसे अच्छा है। इस वजह आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसमें रेड स्पंज रेड होता है, इसमें चॉकलेट होती है, वनीला होता है, आप ट्राई करके देख लें। उसके अलावा जी जी, उसके अलावा थ्री मिल्क जो है संडे, आप ट्राई करके देख लें। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, पहले दिन से आना शुरू हुई है, हम तकरीबन 50-20 मंगाते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 10 बजे तक। उससे कस्टमर ये बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा मंगाएं, ज़्यादा क्वालिटी मंगाएं, हम इस वजह से कम मंगा रहे हैं कि देखते हैं कि कैसे चलता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट कितनी है वो देखें। आप आगे आ जाएं, इन केकों के बारे में आपको मैं गाइड कर दूँ। यह लोटस केक है, लोटस का जो स्पंज होता है वनीला स्पंज होता है, आप ट्राई करके देख लें। स्पेशलिटी है हमारी 1500 रुपये का ये। उसके अलावा रोचर फरारो है, वो भी 1500 रुपये का, उसमें इम्पोर्टेंट जो है क्रीम यूज़ होती है, उसके चॉकलेट होता है, आप ट्राई करके देख लें, इंशाल्लाह पसंद आएगा जी। ये फालूदा टाइप का होता है, ट्रेफल कप होता है, ये टूटी फूटी होता है, आप ट्राई करके देख लें। अगर और का आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लें मेरे से। केक में जितने भी केक हैं सब में बेस्ट केक सर तेरी मिल्क हो गया, उसके अलावा लोटस हो गया और रोचर फरारो हो गया सर, ये हमारे बेस्ट हैं। और फ्रेश क्रीम में फज है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ओके राहुल, थैंक यू। चलें व्यूअर्स, आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा, तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बस अब हमारे साथ यहाँ के शिफ्ट मैनेजर मौजूद हैं, तो आइए हम लोग जाइन से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम है सैयद अताउर रहमान। अच्छा। ना सैयद अताउर रहमान नाम है ना मेरा, मैं शिफ्ट मैनेजर हूँ स्वाद में ना। तो मैंने ये मकसद कहने का ये इंट्रोडक्शन करानी थी कि ये हमारी मैशन जो प्रोडक्ट है ना, सबसे हटके हमारी प्रोडक्ट ना, हटके क्या है कि हमारी ब्रेड अलहमदिल्ला टाइमिंग हमारी 1 डेज की टाइमिंग है ना, और हमारे हलवा जात ऐसे पूरी मार्केट में पूरी कराची में हलवा जात ऐसे नहीं होते। निम्को है हमारी माशाल्लाह, तो अलहमदिल्ला उसकी बिल्कुल फ्रेशनेस है, और हमारी टाइमिंग अलहमदिल्ला 8 से लेकर 2 बजे टाइमिंग है हमारी टाइमिंग, सबसे हटके टाइमिंग अलहमदिल्ला, और सब चीज़ हमारी अलहमदिल्ला फ्रेश होती है ना। और इसमें ये मेन चीज़ ये है कि हमारे मैनेजमेंट का ये चीज़ है कि हमारी सफाई का बहुत ख्याल रहता है, हर 30 मिनट के बाद हमारी सफाई होती है अलहमदिल्ला हर चीज़ की ना, उसमें मक्खियों का हर चीज़ का रेस्प्रे और SOPs के साथ काम हो रहा है अलहमदिल्ला। सब जितने भी वर्कर हैं ना हमारे, वो सब मास्क के बगैर काम नहीं करते, स्वीपर हों जो ही कैशियर हों अलहमदिल्ला, उसमें ऑनर भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उसमें बहुत रिस्पॉन्स अच्छा अलहमदिल्ला अच्छा है। और हमारी माशाल्लाह सेकंड ब्रांची है, और हमने इसी मंथ में 4 ब्रांचें करनी, नेक्स्ट मंथ में अलहमदिल्ला 7 ब्रांचेज हमने करनी है इंशाल्लाह। अच्छा अतौर रहमान भाई, ये बताएं कि आपके पास ये हलवा जात में भी वैरायटीज़ हैं? हलवा जात में अलहमदिल्ला वैरायटी आप देखें, जो वैरायटीज़ है ना हमारी हलवा जात में, तो उसमें ये कि सबसे अलहमदिल्ला ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जो आपको पूरी करोंगी लांडी में ना अलहमदिल्ला हर जगह कहीं ये अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको ना, इनका जायका और बिल्कुल फ्रेशनेस है अलहमदिल्ला, और उसकी जिस फ्रेशनेस के हिसाब से रनिंग भी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी है। डेली प्रोडक्ट आती है, डेली अलहमदिल्ला हमारी क्लोज हो जाती है प्रोडक्ट हमारे। अच्छा,
अच्छा तो अताउर रहमान भाई ये बता दें कि अच्छा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी माशाल्लाह से बेकरी ओपन हुई है तो इनके प्राइस भी काफ़ी हाई होंगे, तो इसके बारे में से थोड़ा गाइड कर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्राइस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो लार्ज सबसे ब्रेड है मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं उनकी ब्रेड वगैरह 90 रुपीज़ की, हमारी 80 रुपीज़ की है, और जो मीडियम ब्रेड है वो 60 रुपीज़ की मार्केट में, हमारी 55 रुपीज़ की, और जितनी भी प्रोडक्ट है ना हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हम किसी कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हमारी अपने प्रोडक्ट है, और रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब है कि हर बंदे को अवेलेबल है वो हर प्रोडक्ट ना हमारी। चलिए बहुत शुक्रिया अताउर रहमान भाई, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। चले व्यूअर्स, आप लोगों ने शिफ्ट मैनेजर का इंटरव्यू देखा, तो आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और मैंने तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ली हैं जो कि इनकी स्पेशल आइसक्रीम और पेस्ट्री वगैरह हैं, तो मैंने यहाँ से ये चीज़ें ली, आप लोग आएँ तो इनकी बाकी चीज़ें भी ट्राई करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप हमसे कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं या प्रमोशन वीडियो बनवाना चाहते हैं, मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 0335-3842-180 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।